Classic Cakes Workshop. Quickly start logging in so that we will teach you the eggless rasmalai cake. Start logging in quickly. We'll do the rasmalai cake now. देखिए ये मैंने वेनिला स्पंज लिया है. नहीं रहते तो सब कंटिन्यू. ओके स्वाति ने बनाया और वेनिला स्पंज केक लिया है मैंने. बहुत स्पॉन्जी और बहुत बढ़िया केक है ये. तो ये मैंने लिया है. तो इसके हम तीन कलर करेंगे. सबसे पहले अब रसमलाई केक के लिए हमें चाहिए रसमलाई. ओके बाज़ार से लेके आइए. तो अराउंड हाफ के जी के लिए 200 ग्राम रसमलाई चाहिए हमें. ओके ड्राई फ्रूट्स चाहिए हमें. पिस्ते और बादाम बारीक कटे हुए. केसर चाहिए. तो यहाँ पे देखना स्लाइसेस देखने देख रहे कितने होल है ये केक में. बहुत स्पंजी केक है ये. तो रसमलाई केक के लिए हमें क्या करना है ये देखिए. ये देखिए ये रसमलाई है. रसमलाई के दूध से हमें यहाँ पे सोकिंग करना है केक को. ये केक बहुत चलते हैं ऑर्डर्स के लिए. और ये बेसिकली इंडियन देसी फ्यूजन केक है. तो जितना व्हिपिंग क्रीम चाहिए उतना निकालेंगे बाकी का फ्रिज में रख देंगे. व्हिपिंग क्रीम बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होता है. दिस इज द फोर्थ केक ऑफ द डे. एकदम थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी. कलर यहाँ पे मैंने बेकर्स विले कंपनी के कलर्स यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे. कलर मिस्ट या कलर स्प्लैश. ये ऑयल बेस्ड कलर्स लेना है आपको. वाटर बेस्ड कलर्स मत लेना प्लीज़. लाइट येलो कलर चाहिए हमें यहाँ पे. सुधा इसमें हम रसमलाई इमल्शन भी डाल सकते हैं ना. हाँ डाल सकते हैं. इमल्शन नहीं मिलता एक्चुअली रसमलाई का. एसेंस मिलता है. ये देखिए ये लाइट येलो कलर हो गया है. लाइट की वजह से वो व्हाइटिश दिख रहा है लेकिन लाइट येलो है ये. बस मैडम ओ परफेक्ट वर्क. अब ये मैंने डाला. स्प्रेड करना है हमें क्रीम. उसके बाद रसमलाई के पीसेस मुझे बीच में डाल देने हैं यहाँ पे.
अब ऊपर वाली लेयर ले रही हूँ मैं, एक साइड पानी से सोक कर रही हूँ मैं और एक साइड रसमलाई के दूध से। यहाँ पर मैं दूध डालूँगी। सुधा, अगर हम रसमलाई एसेंस डाल रहे हैं तो कितना ड्रॉप्स डालेंगे, 2 से 3? हाँ, और कलर हमने भी 4 ड्रॉप्स डाले हैं। कलर हाँ 4 ड्रॉप्स डाले हैं। पहले साइड्स हम फिल अप करेंगे। सो व्हाई वी आर नॉट एडिंग रसमलाई एसेंस हियर इज बिकॉज वी आर यूजिंग द प्योर रसमलाई मिठाई वी आर यूजिंग। सो वी आर नॉट रियली एडिंग द एसेंस। यू कैन एड इफ यू वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं बीच में हम। ये बादाम है बारीक कटे हुए। इसके चाहिए हमें। अब ये लास्ट लेयर ली मैंने, साइड में अच्छे से सोक करना है। थोड़े से साइड हार्ड होते केक के। ये पानी के साथ सोक हुआ है, एक बाजू पानी और दूसरे साइड पे रसमलाई का दूध। साइड्स पहले फिल अप करते हैं। ट्रायंगल घुमाते हैं साइड से। ये ले रहे हैं ट्रायंगल।
लेते हैं इसको। हम ना सुधा पाइन एप्पल केक बोर्ड रख के भी एक सिखाएंगे, वो भी एक टेक्निक सिखा देंगे। अब इसको हमें नोजल से हम पाइपिंग करेंगे इसको। तो इसके लिए ये N1 नोजल ही ले रही हूँ मैं, सेम नोजल है लेकिन इसका इफेक्ट मैं अलग दे रही हूँ। ये देखिए हमें स्मॉल ई या चकली निकालनी है। इसे बोलते हैं रोजेट चकली। ओके, गैप नहीं छोड़ना है। बॉर्डर करते हैं इसको। ऐसा कुठला बॉर्डर करणार आहे? हेच नोजल मी कुठला करणार आहे? त्याचं तर छोटं आणि क्यूट डेलिकेट बॉर्डर द्यावं लागेल याचा। मोठा बॉर्डर ना थोडा हे दिसेल। तुझं काय प्लॅन होतं खाली करायला? हेच हे नाहीच हे रोझेटच सेम? नाही रोझेट नाही, पण कुठलं नॉझल सेम, फक्त असे नाजूक फुलं ड्रॉप्स ड्रॉप्सच करणार आहे ना? हां ड्रॉप्सच, ओके ड्रॉप्स याच्यावर सूट होणार। आपने ये देखा है सेम नोजल है लेकिन मैं सिर्फ ड्रॉप्स रख रही हूँ। प्रेस एंड स्क्वीज, प्रेस एंड स्क्वीज। दैट्स इट। अब इसको डेकोरेट करते हैं हम रसमलाई से। ये देखिए रसमलाई है। ये बॉल्स को निचोड़ना है। मधे घालायची गरज आहे का? मधे घालू ना? बरं ठीक आहे। ये बेसिक डिज़ाइन हो गया, इसके साथ प्रैक्टिस करना आप।
सुधा राउंड असेल तेच घालणं, हे पसरलेलं आहे जरा, विचित्र दिसतंय ते. राउंड असेल तेच घाल, राउंड नाही तर सोडून दे. अब इसको ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं हम. इसका पिस्ता लाओ, बादाम लाओ, बादाम लाओ, ड्रॉप लाओ. ये ग्रीन और येलो से कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है. साइड ला लाना है ना उसे. तो ये क्रीम होने के वजह से ये चिपकता है. आपलं तो मोतीशोर गुलाबजामुनचा केक आठवतो. काय रॉयल केक होता, माय गॉड. केसर भी लगा सकते इसको हम, बहुत अच्छा दिखेगा. So how's this cake, guys? ये भी बहुत इजी है, ये भी केक आप ट्राई कर सकते हैं. सुपर्ब. अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में. कैसा लग रहा है ये केक? ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, रस मलाई हो गया, डच ट्रूफल हो गया, फरेरो रोशर हो गया, चार केक हो गया. अब हम करेंगे फिफ्थ केक. कोई डाउट है अभी आपको ये स्टेज पे? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना. वैशाली मैम, लगता है आज आप पूरी रात नहीं सोने वाली. ओके. सो बटर स्कॉच है. ए सुधा, कैरेमल क्या हुआ? कैरेमल सिरप. अब कैरेमल केक के लिए हम कैरेमल